हेलो सुपर फ्रेंड्स, तो कैसी हमारी सुपर पब्लिक, आई हो बढ़िया होगी। तो और मैं जानता हूँ बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है और मैं तुम लोगों को इसका रीजन बता चुका हूँ कि क्यों वीडियोस नहीं आ रही थी। और अगर तुम लोग लाइव वाइव नहीं देखते हो ना मेरी, तो देख लिया करो, उसमें रीजन बता दिया था मैंने। और चलो इस चीज को छोड़ते हैं। और हाँ, मैंने तुम लोगों को बताया था कि यार काफी टाइम बाद वीडियो आएगी और एक अच्छा सा टॉपिक मैं तुम लोगों के लिए ढूंढ रहा था। और लिटरली वैसे ही आजकल वेजिटा की नई ट्रांसफॉर्मेशन, जो हकाई शेन वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हर बंदा कवर करने का ट्राई कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा यार मैं क्यों पीछे रहूं, और लिटरली मैंने उसको इस तरह से कवर करने का ट्राई किया ना कि मतलब यार मेरे को तो काफी ज्यादा मजा आएगा और तुम लोगों को भी शायद काफी मजा आने वाला है, क्योंकि हम इसमें हकाई शेन जो वेजिटा रहने वाला है ना, उसको कंपेयर करेंगे मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू के साथ। वैसे जो अपना हकाई शेन वेजिटा है ना, उसकी मतलब यार पूरी तरह अपीयरेंस हमें देखने को नहीं मिली है, मतलब कुछ कुछ जगह पे हमें कुछ कुछ देखने को मिला उसके बारे में। लेकिन मैं एक तरह से मतलब अंदाजे के साथ हम करेंगे कि मतलब हकाई शेन क्या रहते हैं, वेजिटा की पावर एंड एबिलिटीज क्या है, मतलब उन सभी को देखेंगे एंड उसके बाद कंपेयर करेंगे मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू के साथ। वैसे जो अपना वेजिटा था ना, उसकी जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन रहती थी लाइक सुपर सैयन 1, 2, 3, सुपर सैयन ब्लू, ऐसी ऐसी जो ट्रांसफॉर्मेशन रहती थी, उसमें तो गोकू तो था ना भाई, वो मतलब वेजिटा से कहीं ना कहीं आगे ही रहता था। लेकिन अभी भाई उसके पास हकाई शेन की पावर आ गई है लिटरली, मतलब यार जैसे गोकू को मतलब MUI दी गई ना, वैसे ही वेजिटा को भी हकाई शेन की पावर दे दी गई। एंड जहां तक मुझे लग रहा है, अभी जो अपना वेजिटा है ना, वो न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है यूनिवर्स 7 का, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। बट अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या होएगा। और मैं तो लिटरली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि यार मैं मतलब हकाई शेन वेजिटा मैं काफी टाइम से मतलब इसका वेट कर रहा था, और अभी वो आ चुका है फाइनली। एंड अब भी मतलब यार MUI गोकू के साथ उसको कंपेयर करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और हाँ, इस वीडियो में मेन मोटिव तो इसी के ऊपर है, मतलब गोकू वर्सेज वेजिटा वाले के ऊपर, लेकिन साइतामा, सेंट्री एंड असुरा ये कैरेक्टर्स को भी मैंने इंक्लूड किया है, और इनकी पावर एंड एबिलिटीज को भी काफी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। और मतलब ये भी देखेंगे कि इनके साथ जो अपना MUI गोकू है लड़ेगा क्या होएगा। और तुम लोगों को ऐसा बता देता हूँ कि मतलब इस बैटल का जो मतलब पूरी तरह से रहने वाला है ना, वो ये नहीं रहेगा कि मतलब इन पांचों कैरेक्टर्स को आपस में नहीं लड़ाना है, ठीक है। MUI गोकू को लड़ाना है सबसे पहले, लाइक असुरा से लड़ा देंगे, मतलब किसी से भी लड़ा देंगे, फिर सेंट्री, साइतामा एंड फिर वेजिटा के साथ। तो चलो यार वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो। तो अभी शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनकी पावर एंड एबिलिटीज को देखेंगे एंड फिर देखेंगे कि क्या क्या रहने वाला है आगे, ठीक है। तो सबसे पहले पावर एंड एबिलिटीज में बात MUI गोकू की कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार उसके नाम से मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को मैं अभी हटा देता हूँ, क्योंकि हम एकदम बेस फॉर्म से जाएंगे पावरफुल फॉर्म में, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, गोकू एक सैयन रहता है एंड उसकी सबसे बेहतरीन बात ये रहती है ना कि जो गोकू है अभी तक जिस भी ट्रेनर से ट्रेन हुआ है ना, उसने अपने ट्रेनर से अपने आप को ज्यादा पावरफुल बना करके दिखाया है। मतलब जिस भी ट्रेनर से ट्रेन हुआ है ना, उसने उसको सरपास कर दिया एक तरह से कहा जाता है, ठीक है। और देखो यार, जो अपना गोकू रहता है ना, वो अपने बेस में बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। लाइक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, ये सारी तो नॉर्मल चीजें हैं उसके पास टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, हीट रेजिस्टेंस है वो पूरी तरह, ठीक है। एंड उसके पास रहती है की सेंस की पावर, एंड उसके पास पावर रहती है जैसे कि कामेहामेहा, स्पिरिट बॉम्ब, ये ऐसे अटैक है ना उसके, जिसकी मदद से मतलब यार लिटरली वो कुछ भी खत्म करने की ताकत रखता है। और देखो ये सारे अटैक तो है ही ना, और जैसे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता जाता है सुपर सैयन 1, 2, 3, सुपर सैयन ब्लू, रेड, रेड गॉड एंड सुपर सैयन, फिर ब्लू काइकन टाइम 20, मतलब इन सारी टेक्निक्स में जाता जाता है ना वो जैसे ही। और सबसे पावरफुल जो उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट है ना, अभी तो उसने उस चीज को मास्टर कर लिया। तो मतलब तुम लोग समझ लो भाई, गोकू की जैसे जैसे पावर्स इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे वो अपने आप में ट्रांसफॉर्म होता जाता है, ठीक है। और जैसे मतलब यार वो अपने अल्ट्रा इंस्टेंट में, मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में पहुंच जाता है ना, लिटरली इन सारी पावर्स का एकदम उसके पास इनहेंस वर्जन हो जाता है। लिटरली उसकी पावर एंड एबिलिटीज बहुत इन्फिनाइट लेवल पर पहुंच जाती है एक तरह से कहा जाता है, ठीक है। और देखो जो अपना मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट है ना, वो एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को एंजल्स यूज करते हैं अपने बेस में, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो गोकू है ना, MUI में मतलब एंजल्स की कैटेगरी में चला जाता है कुछ हद तक, ठीक है। यार मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि गोकू एंजल जितना ही पावरफुल हो जाता है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वो लगभग एंजलों की कैटेगरी में चला जाता है, मतलब लगभग उन्हीं जितना पावरफुल हो जाता है। यार एंजल्स तो मल्टीवर्सल लेवल के कैरेक्टर्स रहते हैं ना, तो उन जितना तो नहीं होता है गोकू, लेकिन हाँ उन जितना कुछ कुछ लेवल में पहुंच जाता है, ठीक है। लाइक अल्ट्रा इंस्टेंट है ना, तो काफी ज्यादा पावरफुल चीज है। और अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर्स की बात करें, तो सबसे पहली बार जब गोकू उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ ही था ना, तो मतलब यार पूरा वर्ल्ड ऑफ वॉइड शेक करने लग गया था। सारे गॉड्स जितने भी थे ना, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो सारे उसकी रिस्पेक्ट के लिए खड़ चुके थे, क्योंकि यार वो एक ऐसी पोस्ट है, मतलब यार एक ऐसी चीज है ना अल्ट्रा इंस्टेंट लिटरली, कि यार किसी मॉर्टल को उसको अचीव करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड गोकू ने ये चीज करके दिखाई है भाई, और लिटरली उसने अपने 0% स्टैमिना में जीरन को हराया है। वैसे यार सही में बताओ ना, तो यार जीरन को मतलब यार गोकू हराना थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब यार जीरन गोकू को हरा सकता था, लेकिन इन द एंड जो था ना, पूरे उस बैटल के एंड में ना, जो अपना जीरन था ना, वो थोड़ा सा यार गोकू के इमोशंस के साथ खेल गया, और लिटरली भाई गोकू के इमोशन
इमोशंस के साथ खेला ना, तो मतलब यार उसी चक्कर में वो हार गया, वरना मतलब यार जो अपना जीरन था ना वो मतलब अभी तक अल्ट्रा इंस्टेंट जब उसने मास्टर नहीं किया था ना, नॉर्मली जब पहली बार गया था गोकू 0% में, तो उसको मतलब जीरन हरा सकता था, लेकिन भाई गलत कर दिया जीरन ने भाई उसके इमोशंस के साथ खेल के, और इन द एंड गोकू ने उसको हरा दिया। और जैसे जैसे मतलब यार उसने उस चीज़ को मास्टर कर लिया ना, तो आप लोग खुद समझ लो यार मास्टरी में तो वो बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। मतलब मांगा के अंदर उस बंदे ने जो अपने 100% स्टैमिना था ना गोकू जब इसमें गया था अल्ट्रा इंस्टेंट में गया था मास्टरी करके, तो गोकू ने मोरो को हरा दिया था जो कि लगभग 700 प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका था लिटरली। यार मतलब यार गोकू ने उसको अपने सिर्फ एक ही पंच में खत्म कर दिया मोरो को लिटरली। MUI गोकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है यार। तो अभी ज्यादा गोकू नहीं करते हैं वरना पूरी बैटल गोकू की बढ़ाइयों में चली जाएगी, उसकी पावर एंड एबिलिटीज ऐसे ही बताता रहूंगा, पूरी बैटल ऐसे खत्म हो जाएगी। सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं साइतामा की। देखो साइतामा उसका ओपोनेंट है ना, तो इसीलिए सबसे पहले उसके ओपोनेंट साइतामा की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर साइतामा की पावर एंड एबिलिटीज की बात करें ना, तो सबसे पहले उसका नाम रहता है वन पंच मैन, एंड लिटरली उसकी जितनी भी पावर एंड एबिलिटीज है वो उसके नाम पे ही छुपी हुई है भाई। देखो वन पंच मैन मतलब यार एक पंच से किसी को भी खत्म करने की ताकत रखता है वो बंदा। मतलब यार उस बंदे को उसकी जितनी भी पावर एंड एबिलिटीज है ना भाई वो एक्सरसाइज से मिली है। ये कौन सी एक्सरसाइज है मुझे भी बता दो भाई। लिटरली उसकी पावर एंड एबिलिटीज की बात करूं ना, तो वो बंदा एक जंप में मून से अर्थ तक आ चुका था। मतलब वो बंदा अपने दांतों से स्वॉर्ड को तोड़ चुका था भाई। उसकी ड्यूरेबिलिटी का तुम्हें पता चल ही रहा होगा, उसके दांत ही कितने ज्यादा ड्यूरेबल है यार। और लिटरली वन पंच मैन जो है ना भाई, एक पंच से जितने भी शॉक वेव पैदा हुए थे ना उसके पंच से भाई लिटरली अर्थ के क्लाउड्स को दो भागों में बांट दिया था, डिवाइड कर दिया था भाई लिटरली। और उसकी परमानेंट एबिलिटीज का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हो कि वो अपने नॉर्मल पंच से भी किसी को खत्म कर सकता है, लेकिन जब भी वो अपने सीरियस पंच का यूज करता है ना, तो लिटरली किसी को भी एग्जिस्टेंस से खत्म कर सकता है। मतलब जो उसके यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बींग था ना, उसको भी उसने सिर्फ अपने सिर्फ एक ही सीरियस पंच से खत्म कर दिया था। और जो अपना वन पंच मैन साइतामा है ना भाई, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अभी तक अपनी पावर का लगभग 5-10% ही यूज किया है। मतलब आप लोग समझ सकते हो ना कि उसने अपने 5-10% की पावर में ही ना अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन को हरा दिया। तो लिटरली साइतामा को एक तरह से वन पंच मैन सीरीज के अंदर ना एक गॉड की तरह दिखाया गया। मतलब यार उससे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, वो सिर्फ एक पंच में किसी को भी मार सकता है। एंड लिटरली वो बोर हो चुका है। मतलब यार बोर होने का मतलब ये है कि उसको अपने जितना पावरफुल कोई बंदा मिलता ही नहीं है। और लिटरली बता रहा हूँ भाई, गोकू जो है ना अभी उसकी टक्कर का होने वाला है। मतलब यार अभी उसको काफी ज्यादा मजा आएगा गोकू के साथ लड़ने में। और दूसरी चीज की जो अपना साइतामा रहता है ना भाई, अभी तक जितने भी बंदों से वो लड़ा है ना भाई, कोई भी बंदा उसके फेस के एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर पाया है। और दूसरी चीज, हमने कभी उसके फेस में एक पसीने की बूंद और उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए नहीं देखे है। तो आप इस चीज का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो कि साइतामा कितना ज्यादा पावरफुल होएगा भाई। उस बंदे के एक्सप्रेशन भी कोई चेंज नहीं कर पाया, लेकिन लिटरली गोकू से लड़ते वक्त उसके फेस के एक्सप्रेशन भी चेंज होंगे, उसको पसीना भी आएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं असुरा की। असुरा मेरे को काफी ज्यादा कूल कैरेक्टर लगता है, आगे बताता हूँ क्यों लगता है, ठीक है। असुरा एक गेमिंग कैरेक्टर है, एंड लिटरली जैसे अपने सुपर सैयन रहते हैं ना, सुपर सैयन 1, 2, 3 सुपर सैयन में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन रहती है ना सैयन की, वैसे ही अपने असुरा के पास भी अपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, या कहें तो उसके कुछ पावरफुल फॉर्म्स है। एंड जैसे जैसे वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आगे जाता जाता है, उसकी पावर एंड एबिलिटीज वैसे वैसे इंक्रीज होती जाती है, और उसकी जो पावर है ना वो सारी डिपेंड करती है उसके गुस्से के ऊपर। जैसे अपने हल्क है ना, बिल्कुल वैसा ही असुरा, जितना ज्यादा वो गुस्सा होता जाएगा, जितनी उसकी रेज बढ़ती जाएगी, उतना ही वो ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, ठीक है। और जितना भी मतलब यार असुरा की पावर एंड एबिलिटीज है ना, गुस्से के ऊपर है सब कुछ, ठीक है। और देखो असुरा जो है ना भाई, अपने सिर्फ एक पंच से व्रेजन लिटरली काफी ज्यादा बड़ा था, मतलब प्लेनेट अर्थ से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। तो लिटरली असुरा ने अपने सिर्फ एक पंच से उसको मार गिराया भाई, लिटरली यार बहुत बड़ी चीज होती है ये, मतलब 3 गुना ज्यादा बड़ा कैरेक्टर। और देखो यार जो अपना असुरा है ना भाई, उसका सीन सिंपल रहता है, उसके ओपोनेंट में चाहे कितना भी बड़ा कैरेक्टर आ जाए वो देखता नहीं है इस चीज को भाई, उसको पता है कि भाई वो उसको मारेगा, मतलब फिर चाहे कैसे भी मारो बस उसको मारना है, ठीक है। और भाई देखो जब वो लड़ता है ना असुरा, उसका एक डिसएडवांटेज ये है ना कि वो अपने शरीर की, अपने फिजिकली बॉडी की बिल्कुल केयर नहीं करता है, एंड वो बिल्कुल भी मेंटली मतलब प्रिपेयर होकर के नहीं जाता है लड़ने के लिए। ये चीज उसकी मतलब थोड़ी सी मेरे को बुरी लगती है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि देखो वो लड़ते वक्त ज्यादातर अपनी बॉडी का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता है, उसको बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है इस चीज से, ठीक है। और लिटरली गोकू के साथ लड़ेगा तो भाई उसको काफी ज्यादा डैमेज मिलेगा अगर वो गोकू के साथ भी यही करेगा। और लिटरली ये बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं बनाता है, और गोकू जब भी लड़ता है ना भाई, कुछ ना कुछ प्लान करके आता ही है वो, ठीक है। पहले तो वो अपने ओपोनेंट की पावर्स को चेक करता है, एंड उसी हिसाब से वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, एंड अपने ओपोनेंट को हराने का ट्राई करता है, ठीक है। और अगर मैं असुरा की बाकी पावर्स की बात करूं, तो असुरा जैसे जैसे मैंने कहा था अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आगे जाता है, उसकी पावर एंड एबिलिटीज इंक्रीज होती जाती है, और जो असुरा
असुर है ना भाई, उसके चिल्लाने से अर्थ का एटमोस्फेयर तक हिल चुका था, ठीक है। और लिटरली असुर जब अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में चला जाता है ना, असुर द डिस्ट्रॉयर, लिटरली उसकी पावर एंड एबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस फॉर्म में उस यूनिवर्स का जो क्रिएटर था ना चक्रवर्तन असुर ने उसको भी मार दिया लिटरली। मतलब यार आप लोग समझ ही सकते हो अभी असुर कितना ज्यादा पावरफुल है एंड क्यों मेरे को वो कूल लगता है एंड ठीक है। और उसकी पावर की बात करें तो लाइक उसके पास रहती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, ये तो मतलब नॉर्मल चीज है उसके पास, ठीक है। उसके पास रहती है लाइट मैनिपुलेशन एंड मंत्र मैनिपुलेशन। मंत्र मैनिपुलेशन उसकी पावर सोर्स की तरह है, ठीक है, मतलब इसी से उसको पावर्स वगैरह मिलती है एंड इन सारी पावर्स से हमें पता चलता है कि असुर कितना ज्यादा पावरफुल है। और हाँ यार, अगर तुम लोग उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह के बारे में सोच रहे हो ना, तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि कई कई बार असुर जो है ना अपने गेम के अंदर ना स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर चुका है। तो अभी तो आप लोग सोच ही सकते हो कि असुर कितना ज्यादा पावरफुल चीज है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्री की। सेंट्री वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में आता है। उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा ओपी है। उस बंदे ने शी हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल जैसे सुपर हीरोज को हराया है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन जो हल्क का था ना, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, उस हल्क के वजन को शांत किया है लिटरली कहें तो एक तरह से, मतलब काफी अच्छी टक्कर दी थी। एंड जो सेंट्री है ना उसको ये सारी पावर एंड एबिलिटीज मिली है सुपर सोल्जर सीरम से। एंड ये जो सीरम थी ना बिल्कुल कैप्टन अमेरिका के सीरम जैसी थी, बट उससे 1000 times ज्यादा पावरफुल थी। चलो ये चीज को छोड़ो, ये चीज हम सभी जानते हैं। पावर्स की बात करें तो सेंट्री जो है ना भाई उसके पास 1 million एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है लिटरली। अगर किसी को भी इन सारी पावर से पंच पड़ जाए ना, मतलब 1 million एक्सप्लोडिंग सन्स वाली पावर से पंच पड़ जाए ना, तो जहां तक मुझे लग रहा है ओपोनेंट जल जाएगा भाई, ठीक है। और जो सेंट्री है ना भाई उसके पास रहती है सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की पावर। उस बंदे के रिफ्लेक्सेस एंड सेंसेस स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा फास्ट है कुछ कुछ मूवमेंट में, मतलब कॉमिक के अंदर कुछ कुछ मूवमेंट्स में स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर चुका है सेंट्री, ठीक है। तो यहां से पता चलता है वो कितना ज्यादा फास्ट है सेंट्री जो है ना भाई, वो सन को या कहें तो जैसे अपने लाइट सोर्सेज रहते हैं ना कुछ भी, उनको एज अ वेपन यूज कर सकता है। उसके पास मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन की पावर भी है। मतलब यार ये जो पावर है ना उसकी, उसको पता ही नहीं है कि उसके पास मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन की पावर भी है। कई कई मूवमेंट में वो मतलब खुद ही यूज हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है, या कई एक तरह से उसको पता ही नहीं है कि उसके पास ये चीज की पावर भी है। मतलब मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन बहुत बड़ी पावर रहती है, ठीक है। और एमा फ्रॉस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा टेलीपैथ थी, पावरफुल टेलीपैथ थी ना, उसने खुद कहा था कि सेंट्री ना भाई बहुत ही ज्यादा टेलीपैथ है, मतलब उससे भी ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ है। तो आप खुद समझ सकते हो सेंट्री कितना ज्यादा पावरफुल है। सेंट्री के पास इमोर्टेलिटी की पावर है एंड इस पावर की मदद से जब तक सेंट्री खुद ना चाहे उसको कोई दूसरा बंदा नहीं मार सकता। उसके पास रीजनरेशन की पावर है, नई इनविनर एबिलिटी रखता है, टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस जैसी बहुत सारी पावर्स रखता है। तो अभी फाइनली बात करते हैं वेजिटा की पावर एंड एबिलिटीज की। मतलब अभी उसको सिंपल वेजिटा कहना गलत रहेगा ना, उसको हकाशियन वेजिटा कहते हैं। तो अभी बात करते हैं हकाशियन वेजिटा की पावर एंड एबिलिटीज की। तो काफी लंबे टाइम बाद हमें उसकी नई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। तो देखो यार, जो अपना हकाशियन वेजिटा ना भाई, उसके पास भी एक सैयन है ऑलवेज वो, तो यार उसके पास भी अपनी नॉर्मल सैयन वाली ट्रांसफॉर्मेशन रहती है, जैसे सुपर सैयन 1, 2, 3 सुपर सैयन ब्लू, सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन रहती है ना। और अपने बेस में वैसे ही अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्स, ऐसी ऐसी पावर्स रहती है। बाकी के पास पावर रहती है जैसे कि टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, की सेंस एंड हीट रेजिस्टेंस है पूरी तरह, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता ही चुका हूं। उसके पास बिग बैग अटैक, फाइनल फ्लैश अटैक एंड लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल हकाई शेन की वाली पावर्स है, मतलब हकाई की पावर है यार उसके पास। देखो मैं तुम्हें बताता हूं हकाई की जो पावर होती है वो काम कैसे करती है। देखो जो अपने वजट है ना उसको ये पावर सिखाई है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ने। एंड जहां तक मुझे लग रहा है अगला यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वजटा ही रहने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। और जैसा कि अपने गोकू को MUI दी गई, वैसे वेजिटा को हकाई की पावर दी गई है। तो अभी जो हकाई की पावर है वो काम कुछ इस तरह से करती है, लाइक जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं बेसिकली ये पावर उन्हीं के पास होती है हकाई की पावर, ठीक है। हकाई की पावर का मतलब है किसी भी बंदे को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देना, मतलब यार किसी के ऊपर भी ये हकाई की पावर यूज हो गई ना तो वो बंदा एग्जिस्टेंस से उड़ जाएगा। एंड लिटरली जैसे अपना टोपो था ना वो भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन रहा था, मतलब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन मैं सही में बताऊं ना भाई तो वेजिटा टोपो से ज्यादा पावरफुल है, मतलब टोपो से ज्यादा पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन रहा है वो, ठीक है। और अभी तक उसने इस चीज को 100% अचीव नहीं किया है, अभी तक वो इस चीज का काम चल रहा है उसका, ठीक है। और अभी वो अपने मांगा में भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है हकाईशेन वेजिटा। एंड हकाईशेन की मैंने तुम्हें पावर बता दी, मतलब किसी को भी हकाई करा तो एग्जिस्टेंस से बंदा उड़ गया। तो अभी हमने इनकी पावर एंड एबिलिटीज की बात कर ही ली है, तो अभी देखते हैं जो अपना गोकू है ना वो इन सारे कैरेक्टर से लड़ेगा तो क्या क्या होगा। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं गोकू वर्सेस असुरा की बैटल। देखो जो अपना असुरा है ना भाई वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ चक्रवर्तन उसके यूनिवर्स का क्रिएटर था एक तरह से, उसको भी हरा दिया ना। तो अभी देखो गोकू जो है ना भाई अपने बेस में, मान लो दोनों बेस में ही अभी, ठीक है, तो गोकू भी अपने बेस में रहकर के पहले तो असुरा की पावर को चेक करेगा, और बेस में लिटरली असुरा की पावर काफी ज्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली गोकू को सुपर सैयन 1 या 2 में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। एंड फिर वो कहीं हद तक मतलब असुरा की पावर को
मैच करेगा एंड फिर असुरा भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देगा। मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्म करते करते वो पहुंच जाएंगे, मतलब यार असुरा द डिस्ट्रॉयर में पहुंच गया असुरा, और गोकू जो है ना मतलब यार ऐसे करते करते सुपर सैयन मतलब ब्लू कायकन टाइम 20 के तक पहुंच जाएगा। फिर भी यार गोकू को मतलब कुछ हद तक फील होएगा कि नहीं भाई असुरा द डिस्ट्रॉयर अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अगर वो यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टेंट में चला गया ना भाई, लिटरली मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट यूज करने लग गया ना इस टेक्निक का, तो लिटरली असुरा जो है ना भाई उसकी सिट्टी बिट्टी गुल कर सकता है। देखो क्यों कर सकता है, जो अपना असुरा है ना भाई असुरा को दिखे कभी नहीं अपना एमयूआई गोकू, क्योंकि यार अल्ट्रा इंस्टेंट हम सभी को पता है कितनी फास्ट टेक्निक हो जाती है, मतलब यार दिखता भी नहीं है ठीक है। तो वही कह रहा हूँ भाई, गोकू मतलब दिखे कभी नहीं असुरा को और ऐसी ऐसी जगह से पंच करता रहेगा कि इन द एंड असुरा हार जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है ठीक है। तो अभी हमने गोकू वर्सेस असुरा के बीच में तो देख लिया गोकू जीत गया, तो अभी देखते हैं गोकू वर्सेस साइतामा के बीच में कौन जीतेगा। और देखो यार साइतामा का अभी तक हमें 5-10% ही पावर देखने को मिली है और उसी बेस में हम इस बैटल को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो यार जो अपना साइतामा है भाई उसकी अभी तक बहुत कम पावर देखने को मिली है, और हम ये नहीं कह सकते कि यार उसकी 100% पावर क्या रहेगी, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं है उसकी 100% फुल पोटेंशियल देखा ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो अपना साइतामा है भाई, उसने 5-10% में अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग को अपने एक सीरियस पंच से खत्म कर दिया था ठीक है। एंड लिटरली अगर वो यहाँ पे एक सीरियस पंच का यूज गोकू के ऊपर कर देना भाई, तो गोकू को तो दिक्कत नहीं होगी एक में, जहां तक मुझे लग रहा है। मतलब यार गोकू जो है ना सुपर सैयन ब्लू काइकन टाइम 20 में एक सीरियस पंच को सर्वाइव कर सकता है, एक या दो को कर सकता है, लेकिन एक या दो को सर्वाइव करने के बाद कौन सा गोकू वहां पे खड़ा ही रहेगा भाई, मतलब आ तू मुझे मार साइतामा को बोलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। काइकन टाइम 20 में जाने के बाद गोकू भी तो उसको पंच वंच करेगा, और लिटरली जब जीरन के साथ वो लड़ रहा था, तो भाई जब जीरन के ऊपर उसने स्पिरिट बॉम्ब का यूज किया था, तो लिटरली हम सभी को पता है वो स्पिरिट बॉम्ब कितना ज्यादा पावरफुल था, मतलब जीरन को भी अपने दोनों हाथों का यूज करना पड़ गया था, मतलब जीरन इतना ज्यादा पावरफुल था उसको भी अपनी यहाँ पे पावर का यूज करना पड़ गया, तो साइतामा को तो ऑब्वियसली वो हरा ही देगा उसका जो स्पिरिट बॉम्ब रहेगा। और चलो स्पिरिट बॉम्ब नहीं भी यूज करेगा ना, तब भी जो अपना गोकू है ना भाई सुपर सैयन ब्लू काइकन 20 में जा करके भाई लिटरली अपने 25 से साइतामा को हरा सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है ठीक है। तो यहाँ पे तो गोकू जीत गया, भी नेक्स्ट बात करते हैं गोकू वर्सेस सेंट्री के बीच में कौन जीतने वाला है। जो अपना सेंट्री या मार्वल यूनिवर्स में काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज में आता है, उस बंदे ने काफी बड़े बड़े काम करके दिखाया है, ऑब्वियसली उसके पास मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन है यार, कोई छोटा मोटा सुपर हीरो थोड़ी होएगा। तो अभी बात करें एमयूआई गोकू की, तो यार एमयूआई गोकू भी कोई कम नहीं है यार, उस बंदे ने मांगा के अंदर 100% स्टैमिना में गया था गोकू, एमयूआई टेक्निक का 100% स्टैमिना में यूज कर रहा था, तो 0% में जीरन को हरा दिया, तो 100% स्टैमिना में जाकर के उस बंदे ने मोरो को हरा दिया था, जो कि मार्वल यूनिवर्स में जैसे कि गैलेक्टस है ना बिल्कुल उसके जैसे, मतलब यार जो अपना गैलेक्टस है उसका काम है प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, वैसे ही अपने मोरो ने भी 700 प्लैनेट्स की एब्जॉर्ब करके रखी थी एनर्जी। एंड लिटरली एमयूआई गोकू ने अपना एक बहुत बड़ा क्लोन बनाया एंड अपने सिर्फ एक पंच से ही मोरो को हरा दिया, मतलब यार लिटरली मोरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जैसे गैलेक्टस है ना बिल्कुल वैसे ही था मोरो भी ठीक है। तो यार जहां तक मुझे लग रहा है एमयूआई गोकू अपने 100% स्टैमिना में मोरो को हरा सकता है, जो कि एकदम गैलेक्टस के जैसे है, वैसे ही अगर गोकू अपने यहां पे एमयूआई के 100% स्टैमिना में जाकर के अपनी काफी अच्छी पावर को यूज करता है, तो सेंट्री को भी हरा सकता है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अभी बात करते हैं हकाई शेन वेजिटा जो है ना मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू से लड़ेगा, तो क्या होएगा। देखो जो हकाई शेन है ना भाई, अभी तक मुझे नहीं लगता है वेजिटा हकाई की पावर का बिल्कुल 100% यूज कर रहा होगा, क्योंकि यार अभी तो वो उस चीज को सीख ही रहा था ना, मतलब अभी तो बीरस ने उस चीज को बताया ही था ठीक है। तो जहां तक मुझे लग रहा है अभी तक वेजिटा उस चीज का 100% यूज नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो अपना गोकू है ना भाई एमयूआई मतलब उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया, उसका 100% यूज कर रहा है टेक्निक का एंड लिटरली मतलब पूरा धमाल मचा रहा है। लेकिन यार गोकू का भी यहां पे एक डिसएडवांटेज है कि उसने खुद था कि मैं अल्ट्रा इंस्टेंट का जो मास्टर वर्जन है ना भाई उसको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मतलब बहुत देर तक उस चीज को संभाल नहीं पाता हूं। लेकिन मैं सच में कहूं ना भाई, तो उस बंदे ने जब अल्ट्रा इंस्टेंट में ही जीरन को हरा दिया, जो कि अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था, तो अभी तक तो वेजिटा पूरी तरह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना भी नहीं है। तो गोकू तो यार मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में कुछ ही देर में, मतलब मानते हैं वो काफी देर तक उस चीज को हैंडल नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो वेजिटा को हरा सकता है। चाहे हकाई शेन की बात कर लो, फिर भी वो वेजिटा को हरा सकता है, क्योंकि यार जो अपना जीरन था ना वो अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था, मतलब यार ये चीज काफी बड़ी चीज है जो यहाँ पे मैटर करती है। तो इसी वजह से जहां तक मुझे लग रहा है वेजिटा चाहे हकाई शेन है ना मानते हैं काफी ज्यादा पावरफुल है, हकाई की पावर का यूज कर रहा है, लेकिन अभी तक वो उस चीज का 100% यूज नहीं कर रहा है। तो इसी बेस में जहां तक मुझे लग रहा है गोकू अभी वेजिटा को हरा सकता है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है यार, प्लीज आप लोग ऑफेंड मत होना ठीक है। तो आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, वहां जाकर के मेरे को फॉलो करके इंस्टाग्राम में भी यार फॉलोवर्स इंक्रीज कर दो, सपोर्ट करो ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।